फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी वेडिंग ट्रे बनाना सिखाऊंगी। तो इसके अंदर आप कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स, ड्राई फ्रूट्स कुछ भी पैक कर सकते हैं, जो भी आप पैक करना चाहें। और ये ट्रे आप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही कम टाइम में भी ये ट्रे तैयार हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इस ट्रे को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए एंड इसे बनाने की प्रोसेस क्या है। तो ये ट्रे मैं पान का जो पत्ता होता है उसकी शेप में बना रही हूँ, तो मैंने कार्डबोर्ड को भी उसके अकॉर्डिंग ही कट कर लिया है और मैंने इसके हिसाब से ही रेड कलर के क्लोथ को भी कट कर लिया है। यहाँ पे हमें दो क्लोथ के पीसेस की ज़रूरत होगी। देन मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का नेट का क्लोथ लिया है और इसके ऊपर इस तरीके की डिज़ाइनिंग हुई हुई है। आप चाहें तो प्लेन नेट का क्लोथ भी ले सकते हैं अगर आपके पास इस तरीके का डिज़ाइनर नहीं हो तो, और आप उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। देन हमें डेकोरेशन के लिए चाहिएगी गोल्डन कलर की बॉल चेन, फोम फ्लावर्स, यहाँ पर हम पर्पल कलर के फोम फ्लावर्स का यूज़ कर रहे हैं, एंड गोटा फ्लावर्स। तो चलिए अब हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कार्डबोर्ड के बैक पोर्शन पे अपने इस पीस को पेस्ट कर दूंगी। पेस्टिंग वर्क के लिए आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैब्रिक ग्लू या फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से कार्डबोर्ड के बैक पोर्शन पे मैंने इस पीस को पेस्ट कर दिया है। अब जो आगे वाली साइड होगी वहाँ पर मैं इस क्लोथ के पीस को पेस्ट करूँगी। तो अब मैं इसके कॉर्नर्स पर ग्लू अप्लाई करूँगी इस तरीके से। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, एक नॉर्मल स्क्वायर की शेप में भी बना सकते हैं या फिर आप इसे सर्कल की शेप में बना सकते हैं या कोई दूसरी लीव्स जो नॉर्मल लीव्स उनकी शेप में भी बना सकते हैं। इस तरीके से पूरे कॉर्नर्स पे हमें ग्लू लगाना है। तो देखिए हमने हमारे कार्डबोर्ड के पीस को दोनों साइड से अच्छे से कवर कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अपना जो ये नेट का पीस था इसको ऐसे करके पेस्ट करूँगी और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको कट कर दूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने नेट के पीस को इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पीस है उसको मैं इस तरीके से कट कर दूँगी, ऐसे करके हमें इसको कट करना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने मेरा नेट का क्लोथ भी अप्लाई कर लिया है। तो जो हमने नेट के क्लोथ के नीचे एक प्लेन कपड़ा लगाया था, आप चाहें तो उसकी जगह साटन क्लोथ भी लगा सकते हैं, वो बहुत शाइन करेगा, लेकिन मेरे पास अभी प्लेन क्लोथ ही अवेलेबल था इसलिए मैंने वही यूज़ किया है। तो अब हम इसके कॉर्नर्स पर लेयर्स देंगे बॉल चेन की हेल्प से। इस तरीके से हमें लेयर्स देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉल चेन की लेयर दे ली है। तो मैंने यहाँ पर एक ही लेयर दी है, आप चाहें तो 2-3 कितनी भी लेयर्स दे सकते हैं। तो अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी गोटा फ्लास की मदद से। तो मैंने ग्लू ऑलरेडी लगा लिया और अब मैं यहाँ पर अपने गोटा फ्लास को पेस्ट करूँगी। तो अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी फोम फ्लास की मदद से। तो मैं एक एक गोटा फ्लास के सेंटर पर यहाँ पर फोम फ्लास को पेस्ट करूँगी। आप चाहें तो इसे मेहंदी और हल्दी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर मेहंदी के कोन्स रख सकते हैं और हल्दी की कटोरियाँ भी रख सकते हैं। बहुत ही एलिगेंट लुक देगी ये ट्रे। तो अब मैं इसमें और डेकोरेशन करूँगी अपने स्किन कलर के एंड ब्लू कलर के फोम फ्लास की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ग्लू लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर एक स्किन फोम फ्लावर, उसके बाद एक ब्लू और उसके बाद वापस एक स्किन। तो मैं ब्लू को इनके बीच में लगाऊंगी और साइड में दो स्किन फोम फ्लावर्स लगाऊंगी। ऐसे ही हमें बाकी साइड्स पर भी करना है इस तरीके से। तो देखिए ये हमारी इस तरीके की सुंदर सी वेडिंग ट्रे बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप इसमें कॉस्मेटिक्स को पैक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने कॉस्मेटिक्स रखकर इसको पैक कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स पैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कुछ बाउल्स रखकर उनके अंदर ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, या फिर अगर आप इसके अंदर चॉकलेट्स को पैक करना चाहते हैं तो आप एक सुंदर सा बोल डेकोरेट करके इसके सेंटर पर रख के उसमें चॉकलेट्स फिल करके भी दे सकते हैं। और अगर आपको ये हल्दी के लिए चाहिए तो आप इस तरीके की कटोरियों में हल्दी भरकर भी यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर आप इसमें मेहंदी के कोन्स को भी रख सकते हैं।
तो आप बहुत से पर्पसेस के लिए वेडिंग ट्रे को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ एंड रिलेटिव्स के साथ इस यूज़फुल से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आगे आने वाले सारे लेटेस्ट क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोज़ आप लोगों के पास सबसे पहले जाए। So thanks for watching. Bye. See you guys in my next video.